नमस्कार, मेरा नाम वैद्य मिहिर खत्री, डॉक्टर खत्री शाश्वत आयुर्वेदम नाम से अहमदाबाद में क्लिनिक हमारा। आज मैं आपको एड़ी के दर्द को कैसे आयुर्वेदिक उपायों से मिटाया जाए, उसके के कारण है, उसमें क्या खान पान रखना है, पूरा डिटेल आज मैं आपको बताता हूँ। एड़ी का दर्द खास तौर पर स्त्रियों को ज़्यादा होता है। जब सुबह बेड में से पैर रखते हैं तो ज़मीन पर पैर नहीं रख पाते, इतना दर्द होता है। शरीर में जकड़ाहट फील होती है, कभी कभार सूजन भी शरीर में होती है, खास तौर पर पैर में या फेस पे। अब ये दर्द 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद धीरे धीरे जैसे काम करने लगते हैं, रूटीन में आते हैं, ऐसे कम हो जाता है और कभी कभार पूरे दिन भी रहता है। अभी एड़ी का दर्द होने के रीजंस आयुर्वेद के हिसाब से आम यानी कि अपचा हुआ आहार, खुराक हम जब खाते हैं लेकिन अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो आंत्रों में चिपका रहता है, वो अपचा हुआ आहार आम कहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन, जिनको कब्ज की शिकायत है उनको ज़्यादातर ये आम बनता है, या रात को जो लोग लेट खाते हैं या खा के तुरंत सो जाते हैं तो उनका खाना अच्छी तरह से पचता नहीं है और आम क्रिएट होता है, यानी कि अपचा हुआ आहार जो अच्छी तरह से पेट साफ नहीं आता है तो आंत्रों में चिपका रहता हुआ मल, वो चिपका हुआ मल धीरे 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 आम शरीर में स्प्रेड होता है और शरीर में जकड़ाहट, स्वेलिंग और एड़ी में दर्द जैसे रोग उत्पन्न करता है। तो हमको क्या करना है कि रात को पहले जल्दी खा लेना है, सोने के मिनिमम 3 घंटे पहले खाना है, दोपहर से मिनिमम आधा रात को खाना है यानी कि हल्का खाना है, और दोपहर को भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है, यानी कि इतना नहीं खाना है कि पेट एकदम भारी हो जाए, पेट बाहर आ जाए और सांस लेने में भी दिक्कत आए। हमेशा पेट में 4 भाग कर दीजिए, 2 भाग खाना है, 1 भाग लिक्विड और 1 भाग वायु, यानी कि अच्छी तरह से खुराक डाइजेस्ट हो जाए। और ट्रीटमेंट उपाय के बारे में बताते हैं। सौंठ पाउडर, जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून यानी कि 2.5 ग्राम जितना समझ लीजिए, 1 गिलास पानी में आप इसको मिक्स करके उबालिए सुबह, और आधा ग्लास बचे तब छान के गुनगुना हो उसमें 1 चम्मच एरिंडी का तेल कैस्टर ऑयल मिला के पी जाए। अब ये प्रयोग बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है, स्पेशली एड़ी के दर्द के लिए, स्टिफनेस के लिए ये कंटिन्यू प्रयोग कीजिए। और साथ में नमक और रेत सैंड को तवे पे गर्म करके पोटली बना के उसकी सिकाई कीजिए सोने के पहले 5 मिनट। ये दोनों चीज़, सोंठ वाला प्रयोग और ये सिकाई, एड़ी के दर्द को मिटाने के लिए बहुत ही सटीक उपाय है। और साथ में जिनको एड़ी की हड्डी बढ़ रही है, कैलकुलस स्पर बोला है डॉक्टर ने, उनको भी ये उपाय कर सकते हैं, उनको भी ये उपाय बहुत ही कारगर रहेगा और एड़ी का दर्द धीरे धीरे आपका मिट जाएगा। लेकिन परहेज खान पान भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में कोई हेल्थ रिलेटेड आपको इश्यू है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आप उसको जल्दी से जल्दी उत्तर या वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल वैद्य मिहिर खत्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।